हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज हम सरप्राइज दे रहे हैं अपनी एक स्कूल फ्रेंड को। तो सौम्या, जैसा सबको पता हुआ है, सौम्या अभी दिल्ली आई हुई है। तो हम उस स्कूल फ्रेंड से मिलेंगे, सौम्या से मिलेगी 9 साल बाद और उसे नहीं पता है, और आज उसका बर्थडे है। सो लेट्स सी कि ये हो पाएगा पॉसिबल या नहीं, और कैसे होगा और क्या उसका रिएक्शन होगा सौम्या को देख के। एंड आई डोंट नो, वो उस टाइम तक ऐसा ना हो कि हम दोनों सामने सामने से आए और रिकॉर्ड भी ना कर पाऊँ। तो आई एम कन्फ्यूज एज वेल, बट लेट्स सी। तो उन सब के लिए बने रहना मेरे साथ। हम जा रहे हैं जनपद, हमारी एक और स्कूल फ्रेंड है प्रिया, आज उसका बर्थडे भी है और मैडम मिली नहीं है और हमने उसको बताया नहीं है कि ये अभी दिल्ली में है। तो सौम्य, सरप्राइज देना तूने उसे। पर मतलब मुझे ही है जो पता है कि ये और वो मिलेंगे, ना उसे पता, इसको भी पता, सॉरी ऑब्वियसली, बट उसको नहीं पता है कि उसके बर्थडे पे हम उसे इतना प्यारा सरप्राइज देने वाले हैं। सो उसका ऑफिस सीपी में है और इसीलिए मैंने उसको बोला कि मैं जनपद शॉपिंग करने आई हूँ, और शॉपिंग करने के बाद अगर उसको चांस मिलता है तो हम मिलें क्या। एंड शी सेड येस ऑफ कोर्स, आज मेरा बर्थडे, व्हाई नॉट हम मिलें। एंड शी नोज़ इट कि मैं भी खुद इंडिया बहुत टाइम बाद आई हूँ, तो वो मेरे से भी जितनी बार हो सकता है मिलना चाहती है। तो प्लान बहुत स्मूथ जा रहा था, बट शी वॉज़ लिटल लेट बिकॉज उसको अपना ऑफिस, आज उसने हाफ डे लिया था, उसको ऑफिस फिनिश करने के बाद हमसे मिलना था। तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम थोड़ा शॉपिंग भी कर सकते हैं और चीज़ें प्लान भी कर सकते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से प्लान करा है, लेट्स होप वो अच्छे से अब एग्जीक्यूट भी हम कर पाए। व्लॉग बनाती हूँ तो आगे आगे रहे ताकि मैं आज हीरोइन तू है मेरी। बर्थडे के लिए बैग ले लेते हैं, आजा। फ्रॉम हियर? हाँ, फ्रॉम देयर। हैप्पी बर्थडे मैडम, हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, मतलब आई कुडंट इवन इमेजिन कि सौम्या मेरे सामने जस्ट कॉल्स ऑफ यू। हमने इसीलिए प्लान किया था, ऑनेस्टली हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, हमने मंडे भी तेरे को बोला था, मंडे इसका फास्ट था, फाइनली आज हो गया और एज पर प्लान हुआ। हम सबसे ज्यादा खुश इसलिए थे, हमें लगा ऐसा ना हम सामने सामने से आ रहे हो, और and that was a coincidence that I came today for office. Yes, it's otherwise, her first day. Leave today. Finally, हम मिले यार. Good to have such friends. सो फाइनली बहुत बहुत अच्छे से हम उसे सरप्राइज दे पाए एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से उसका रिएक्शन था। आई वॉज सो हैप्पी कि मैं उसका रिएक्शन कैप्चर कर पाई। सो हम लोगों ने ऑर्डर करा है इडली, छोले भटूरे एंड पाव भाजी एंड मसाला डोसा और आम पन्ना, और ये क्या फ्लेवर्ड मिल्क है, मतलब फ्लेवर्ड मिल्क और लेमन लाइम सोडा, वही ऑर्डर किया। And food is so good. So unfortunately, हमने जो उसको गिफ्ट दिया था, मैंने अलग गिफ्ट दिया था, मैं लाई थी न्यूजीलैंड से उसके लिए कप जिसमें आई लव यू लिखा था, एंड सौम्या केरला से उसके लिए दिया लाई थी, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई बाय मिस्टेक। बट उसके बाद हमारा टाइम था शॉपिंग करने का। मैं एक बार पहले भी जनपद होकर आ चुकी हूँ, आप मेरा वो व्लॉग देखना, उसमें मैंने जनपद मार्केट का पूरा दिखाया है, बट यहाँ पे भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, बहुत सुंदर और बहुत चीप मार्केट है। बार्गेन आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी खासी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, ये मैं ज़रूर बोलूँगी, बट बहुत अच्छी मार्केट है और हमने बहुत कुछ शॉपिंग की है यहाँ से। सो आप ये जूतियों का भंडार देख रहे हो, इसमें जूती चप्पल सब मिलेंगे आपको, आप छाटो अपना साइज़, वो आपका साइज़ निकाल देंगे, और हर डिफरेंट कलर में है, हर डिफरेंट डिज़ाइन में है,
और बहुत ही रीजनेबल रेट्स में था। मेरे को अभी तक की सबसे जो चीप मार्केट लगी है वो जेन्युइनली जनपद लगी है। एंड नाउ अगेन हमने यहाँ से बहुत सारे सूट और उसके साथ आप लेगिंग ले सकते हो या फिर ट्राउज़र ले सकते हो या प्लाजो ले सकते हो, वो सारा भी आपको एक ही शॉप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फ्रॉम सो फार, आई एम ओवरवेल्ड टू बी ऑनेस्ट। देखो देखते ही मुझे आंसू आ गए थे। आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।